अल्मोड़ा में प्रदेश के लोक कलाकार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक कलाकार संघ के बैनर तले कलाकारों ने बुधवार को अल्मोड़ा में हुड़के की थाप पर प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा है कि प्रदेश में लोक कलाकार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। संस्कृति विभाग के तहत होने वाले कार्यक्रमों का समय रहते भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं कोरोना काल में कई दल पंजीयन का नवीकरण नहीं करा पाए हैं और सरकार इन दलों को पूर्व की भांति मान्यता प्रदान करे। प्रदर्शन के दौरान हुड़के की थाप में जनगीत गाए। तरीके से हमारे कलाकारों को सही तरीके से उनको जितनी ज़रूरत होती है उतने कार्यक्रम नहीं मिल पाते हैं, और जितने कार्यक्रम उनको मिल भी पाते हैं महीने में एक या दो कार्यक्रम मिल पाते हैं तो उनके समय पर हमारे सरकार द्वारा भुगतान नहीं होता है। कई दो दो तीन तीन साल तक हमारे भुगतान रह जाते हैं और हमारे जो गरीब तबके के कलाकार हैं वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। आज हमारा कलाकार रो रहा है, जो कलाकार दूसरे हमारे जनता को हंसाता है वो आज खुद रो रहा है। उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि उसकी रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया। लंबे समय से सांस्कृतिक लोक दलों का लंबित देय का भुगतान यथाशीघ्र हो, और जो लोक कलाकार हैं कई वर्षों से संस्कृति विभाग को सजोने के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है, भाई उन कलाकारों का मानदेय बढ़े। और दूसरा हमारी मांग है भाई लोक कलाकारों को लोक दलों को GST के दायरे से उसको निजात दिलाए। और तीसरी जो हमारी सबसे ज्वलंत मांग है, सरकार की जो नीतियों के प्रसार प्रसार के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग होता है उस विभाग के द्वारा कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे दलों का ऑडिशन नहीं हो पाया, या तो उनका ऑडिशन कराए या फिर उनको पूर्व के ग्रेड में ही संबद्ध किया जाए।